तो आज मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पर एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ। इसमें आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको हमें 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स के इक्वल शो करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो थर्ड कॉलम है दैट इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू एलिमेंट्स, ऑल द थ्री एलिमेंट्स जो हैं सम ऑफ टू एलिमेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है। तो मैं इस डिटर्मिनेंट को थर्ड कॉलम के अलोंग स्प्लिट कर देता हूँ दो डिटर्मिनेंट्स में। तो हमारे जो फर्स्ट दो कॉलम्स हैं वो तो सेम रहेंगे दोनों डिटर्मिनेंट्स में, जो थर्ड कॉलम है वो 1 1 1 हो जाएगा जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है थर्ड कॉलम का, और सेकेंड डिटर्मिनेंट में इसका सेकेंड पार्ट है पी एक्स क्यू पी वाई क्यू पी जेड क्यू। तो फर्स्ट टू कॉलम्स विल रिमेन सेम एंड थर्ड कॉलम विल टेक फर्स्ट पार्ट इन द फर्स्ट डिटर्मिनेंट, और सेकेंड डिटर्मिनेंट में जो इसका सेकेंड पार्ट है वो थर्ड कॉलम बनेगा। अब इसमें मैंने क्या किया है, हमें इन दोनों डिटर्मिनेंट को एक जैसा बनाना है। तो इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो x कॉमन आ सकता है इसमें से रो 1 में से, यहां 1 x और पी एक्स स्क्वायर बचेगा। इसमें से y कॉमन आ सकता है तो y कॉमन जाएगा तो 1 y और पी वाई स्क्वायर बचेगा। थर्ड रो में से z कॉमन आ सकता है तो 1 z और z स्क्वायर बचेगा p के साथ। और ये जो p है कॉलम 3 में से आप p देख सकते हैं कि पूरे कॉलम में से कॉमन लिया जा सकता है। तो मैंने ये चारों चीज़ें एक ही स्टेप में की हैं, मैंने कॉलम 3 में से p कॉमन लिया टेकिंग p कॉमन फ्रॉम c3 x फ्रॉम r1 y कॉमन फ्रॉम r2 एंड z फ्रॉम आर थ्री रिस्पेक्टिवली। तो ये चारों टर्म्स मैंने कॉमन निकाली हैं इस डिटर्मिनेंट में से, कॉलम थ्री में से पी, आर वन में से एक्स, आर टू में से वाई और आर थ्री में से जेड कॉमन लिया, यानी कि हमने पी एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया। तो ये आपका डिटर्मिनेंट बन गया 1xx² 1yy² और 1zz². अब इस डिटर्मिनेंट को भी इसके जैसा बनाना है। तो ये डिटर्मिनेंट अगर आप देखें और इसको भी अगर आप देखें तो ये एक जैसे ही हैं, बस इनकी जो कॉलम्स हैं वो इंटरचेंज करनी पड़ेंगी। तो मैंने ऑपरेशन लगाया C1 रिप्लेसिंग C3, ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस का साइन आएगा और फिर ये एक्स वाई जेड यहाँ पे थर्ड कॉलम की प्लेस पे आ जाएगा और x2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेकेंड कॉलम, फिर C2 रिप्लेसिंग C3, यानी कि 2 बार -1 हमें मिलेगा, एक इंटरचेंज की वजह से एक -1 और दूसरे इंटरचेंज की वजह से एक और -1 है, और ये -1 मल्टीप्लाई होके +1 बन जाएंगे। अब ये डिटर्मिनेंट यहीं यहाँ पर भी है और ये डिटर्मिनेंट यहाँ पर भी है, तो इस पूरे में से हम ये डिटर्मिनेंट को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से तो ये पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन चला गया तो 1 बचा, और यहाँ से जब ये डिटर्मिनेंट को आपने कॉमन लिया तो पी एक्स वाई जेड बचा, तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू ये जो हमने डिटर्मिनेंट कॉमन लिया है। अब इस डिटर्मिनेंट से हम ये बाकी बचे हुए तीन फैक्टर निकालेंगे, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड वी हैव ऑलरेडी गॉट हेयर, अब रह गए ये तीन फैक्टर्स। तब मुझे x माइनस वाई चाहिए, तो x माइनस वाई आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर आर वन में से आर टू को माइनस करूं तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये x माइनस वाई और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वही किया मैंने, आर वन को रिप्लेस किया आर वन रिप्लेस बाय आर वन माइनस आर टू से, और y माइनस जेड चाहिए मुझको तो उसके लिए y माइनस जेड यानी कि r2 में से r3 को माइनस करना पड़ेगा, तो r2 रिप्लेस बाय r2 माइनस r3। आप दो से ज़्यादा ऑपरेशन ना लगाएं एक स्टेप में, साइक्लिक ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं कि सपोज आप z माइनस x लाना चाहते हैं, r3 माइनस r1 करना चाहें, तो r1 तो हमारी ऑलरेडी चेंज हो चुकी है तो इसलिए तीसरा ऑपरेशन नहीं लगाना है, मैक्सिमम आप दो ही ऑपरेशन लगाइए एक स्टेप में। तो ये जीरो हो गया x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेकेंड रो आपकी बन जाएगी जीरो y माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब हम r1 में से x माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, तो जब आप r1 में से x माइनस वाई कॉमन लेंगे
तो ये तो जीरो है, जीरो ही रहेगा, ये x माइनस वाई कॉमन चला गया। इसमें आइडेंटिटी लगाई x माइनस वाई, x प्लस वाई, x माइनस वाई आपने कॉमन ले लिया या x प्लस वाई बच गया। सिमिलरली यहाँ जीरो वन और y प्लस जेड रह गया। थर्ड रो आपकी एज सच, इसमें हमने कुछ नहीं किया है। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं कॉलम वन के अलॉन्ग, क्योंकि कॉलम वन में दो जीरोज हैं तो दो टर्म तो जीरो ही हो जाएंगी, सिर्फ एक ही टर्म हमें मिलेगी। तो अब मैंने इसको एक्सपेंड किया अलॉन्ग सी वन, ये आपका फैक्टर एक है, ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये बाहर हैं। एक्सपेंड किया जीरो इंटू समथिंग, माइनस जीरो इंटू समथिंग, प्लस वन इंटू, अब ये रो छोड़, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, आपके पास बचेगा वन इंटू वन और x प्लस वाई, वन वाई प्लस जेड। इसको एक्सपेंड करेंगे तो y प्लस जेड माइनस वन इंटू एक्स प्लस वाई, तो माइनस x माइनस वाई, ये y y कैंसिल हो जाएगा, z माइनस x बचेगा, तो आपका आ गया वन प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यही हमें प्रूव करना था।